हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अन्ना हजारे का ऐलान है जंग। 25 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन। सुपरमार्केट में वाइन बिक्री का विरोध। महाराष्ट्र में 1000 वर्ग फुट से बड़ी दुकानों और सुपरमार्केट में वाइन की बिक्री को लेकर गरमाई। सियासत के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने ऐलान है जंग का बिगुल बजा दिया है। दिल्ली आंदोलन के 11 साल बाद अन्ना हजारे सुपरमार्केट में वाइन बिक्री की अनुमति दिए जाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने सरकार को ये फैसला वापस नहीं लेने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी थी। सरकार ने अन्ना की चेतावनी का कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद अन्ना हजारे ने 25 फरवरी से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के किराना दुकानों और सुपरमार्केट में वाइन बेचने की अनुमति का बीजेपी राज्य की उत्तर सरकार पर लगातार हमलावर है, जो कि सत्ताधारी पार्टी के नेता बीजेपी को मध्य प्रदेश गोवा में इस प्रकार की अनुमति दिए जाने का आईना दिखाते हुए पलटवार कर रहे हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र में सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर में शराब की बिक्री की अनुमति देने के सरकार के फैसले पर कहा था कि फडणवीस सरकार ने ऑनलाइन शराब की होम डिलीवरी देने की नीति बनाने की योजना बनाई थी। 5 अप्रैल 2011 को एक सशक्त लोकपाल विधायक के निर्माण की मांग पर सरकारी निष्क्रियता के प्रतिरोध में अन्ना हजारे ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण, बाबा रामदेव, कुमार विश्वास एवं अनेक प्रसिद्ध समाज सेवी शामिल थे। ये आंदोलन पूरी दुनिया में अपना ध्यान खींचा था। आंदोलन खत्म होने के कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी का राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ था, जिसने 2 बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। इससे पहले महाराष्ट्र में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के कारण कांग्रेस और राकांपा सरकार के 4 मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हजारे एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। फिलहाल अन्ना हजारे 85 वर्ष के हो चुके हैं। उनका आंदोलन क्या रूप लेता है, ये तो 25 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।